नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद के निर्देशन में एवं क्षेत्र अधिकारी पुलिस डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी बिलारी अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज थाना बिलारी पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त आकाश शर्मा निवासी मोहल्ला हर्ष नगर बिलारी, अनुज चौधरी निवासी मोहल्ला हर्ष नगर बिलारी को दबोचा। आपको बता दें कि इन लोगों ने 3 जून को समय करीब 12:30 बजे एक व्यक्ति अपनी विक्की से जा रहा था, जिसके पीछे बैठी औरत के कान से सोने का कुंडल लूटकर भाग गए थे, जिसको लेकर बिलारी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में आज उपरोक्त अभियुक्तों को पकड़ने में बिलारी पुलिस सफल रही, जिनके पास से एक तमंचा, 312 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू बरामद किया गया। बिलारी पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। इस संबंध में आज बिलारी क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का सफल खुलासा किया। दिनांक 3/6/22 को समय लगभग 12:30 बजे एक विक्की मोटरसाइकिल से जा रहे 2 व्यक्तियों में से एक पीछे जो महिला बैठी हुई थी, उनके कान का कुंडल 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूट लिया गया था। जैसे ही मौके पर सूचना मिली, पुलिस टीम ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की मदद से 2 अभियुक्त, जिनका नाम आकाश शर्मा निवासी हर्षनगर थाना बिलारी और अनुज चौधरी निवासी हर्षनगर थाना बिलारी को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है। सोने का जो कुंडल लूटा गया था उसको बरामद किया गया है और मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था धारा 392 IPC के तहत, उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको रिमांड किया जा रहा है और जो भी सामान बरामद किए हैं अभियुक्तों को बता दी, जो वादी हैं उनको बता दिया गया है, वो सेटिस्फाइड हैं। और ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको, उनके खिलाफ ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी।